सो गाइस आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं वीवो के V40e डिवाइस के अंदर अपने फोन के अंदर अपने डिवाइस कंट्रोल को ऑफ कैसे करेंगे। गाइस जिन जिन लोगों के अंदर डिवाइस के अंदर एंड्रॉइड 14 का अपडेट रन कर रहा है वो डेफिनेटली अपने डिवाइस कंट्रोल को इजीली ऑफ कर सकते हैं। पहले क्या था 12 या 11 13 के अंदर ऑफ करने का ऑप्शन नहीं था तो लोगों को इरिटेटेबल लग रहा था कैसे भी बंद कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ छोटा सा डेमो करके और आपको बताते हैं किस तरीके से इसको इनेबल भी कर सकते हैं एंड डिसेबल भी कर सकते हैं। वेल गाइस फोन के अंदर इनेबल करने के लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ कंट्रोल सेंटर को डाउन करना होगा और ये एंड्रॉइड क्या होता है कि 13 के अंदर तो उसमें एक क्लोक आती थी आईको एंड वीवो वाले में तो उसमें उस क्लोक को एंड्रॉइड वर्जन पे जाके उसको सेट करना होता तब ये ऑन होता था। बिकॉज अभी क्या है कि आपको डिवाइस कंट्रोल देखेंगे तो हमारे केस में यहाँ पर है डिवाइस कंट्रोल अभी करंट टाइम पर डिसेबल है। मैं इसको इनेबल करके दिखाता हूँ। एक बार सिंगल प्रेस करना है इसके अंदर आ जाएंगे आप एंड्रॉइड स्टार एक पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर जो आपको इस तरीके से ऑप्शन दिख रहे हैं ना वाटर बबल का ऑप्शन है फूड का ऑप्शन है टॉय का ऑप्शन है तो इसको बॉक्स को चेक मार करना है इस तरीके से एंड सेव कर देना। जैसे हम सेव करेंगे अब हमारे फोन के अंदर क्या होगा कि ये जो डिवाइस कंट्रोल है एक्टिवेट हो जाएगा। देखो एक्टिवेट हो चुका है तो अगर आपका भी ऑन है तो आप इसे बंद भी कर सकते हैं। बंद करने का प्रोसीजर ये है कि आपको इसी ऐप के अंदर रहना है। अगर आपने कट भी कर दिया तो कोई इशू नहीं तब भी बंद कर सकते हैं। देखो इसको प्रेस करना है अब यहाँ पर ये एक्टिवेटेड है इसको ही प्रेस कर लेना और इस तरह से अगर अनचेक कर देंगे अनचेक हो जाएगा इसको सेव कर देंगे। वापस अगर आएंगे अपने डिवाइस कंट्रोल पर तो हमारा डिवाइस कंट्रोल देख सकते हो यहाँ पर अभी करंट टाइम पे डिसेबल्ड हो चुका है। तो बहुत ही इजी हो गया है एंड्रॉइड 14 के अंदर डिवाइस कंट्रोल को डिसेबल करना एंड इनेबल करना। एंड इसके रिगार्डिंग और भी कोई कन्फ्यूजिंग होती है सो आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा।